खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को बताया जा रहा है कि गोली मार दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई है। राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी को मेट्रोमैस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी पर फायरिंग की वारदात हुई है। राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगा मेड़ी और उन्हें बताया जा रहा है कि इलाज के लिए मास अस्पताल मेट्रोमैस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को गोली मारी गई है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्यामनगर इलाके में बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है, फायरिंग की गई है और गोली जो है वो सुखदेव सिंह को लगी है। बड़ी बात यह है कि श्यामनगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगा मेड़ी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जयपुर से यह खबर है, सुखदेव सिंह पर फायरिंग की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, सुखदेव सिंह की अभी हालत कैसी है, कुछ पता चला? देखिए, अभी फायरिंग के बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हालत जो है काफी क्रिटिकल बताई जा रही है और उन्हें लेकर के जो मेट्रोमॉस हॉस्पिटल है वहां उनको रेफर किया गया है, वहीं हॉस्पिटल में उनका उपचार किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात है कि राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े ये फायरिंग की वारदात श्यामनगर इलाके में हुई, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका घर भी श्यामनगर इलाके में, और यहीं पे अज्ञात हमलावरों ने आज गोगामेड़ी पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद इलाके में दहशत मच गई और फिर लोगों ने फायरिंग के बाद जब आरोपी हमला फरार हो गए, उसके बाद पुलिस को लोगों ने सूचना दी और तब गोगामेड़ी को लेकर के मेट्रोमॉस हॉस्पिटल। विष्णु, हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं तो चुनावी रंजिश माना जाए या फिर आपसी रंजिश, कोई खबर निकल गया इस मामले में? हाँ बोलिए। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पिछले करीब 1-1.5 साल से खुद पर जानलेवा हमले के जो संदेह जता रहे थे, उनका कहना था कि लगातार उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इस संबंध में पहले जयपुर पुलिस कमिश्नर, उसके अलावा पुलिस मुख्यालय में भी लिखित में भी ये बात दे चुके थे कि कुछ लोग उनको लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और इसी बीच आज ये फायरिंग की वारदात हो भी गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बाकायदा उन लोगों के फोटो भी कुछ के आए थे जिनके नाम और फोटो के जरिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को धमकियां दी गई थी। बाकायदा उनके नाम के साथ में उनके हथियारों के साथ फोटो जो थे वो गोगामेड़ी ने पुलिस को उपलब्ध भी कराए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो मामला है वो हकीकत में हुआ, जबकि गोगामेड़ी पर फायरिंग हो गई तो पुलिस के जो उच्च अधिकारी जयपुर कमिश्नरेट के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। फुटेज जो आसपास लगी हुई सीसीटीवी फुटेज, उनकी जांच की जा रही है। जी, तो आप बता रहे हैं कि पुलिस को उन्होंने पहली आशंका जता दी थी कि उन पर हमला हो सकता है, तो सुरक्षा दी गई थी पुलिस की तरफ से या फिर नहीं? देखिए, पुलिस की ओर से सुरक्षा देने के भी तो कोई जानकारी सामने नहीं है, लेकिन बात ये बिल्कुल सही बात है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लगातार थ्रेट मिल रहा था, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और ये जो धमकियां थी वो भी देश के जो कुछ गैंगस्टर्स, जो नामी जो गैंगस्टर्स थे उनकी ओर से दी जा रही थी, ऐसा गोगामेड़ी का कहना था पहले भी। चूंकि लगातार राजपूत करनी सेना के वे अध्यक्ष हैं तो उन्हें कुछ ऐसे जो नामी जो राजस्थान के गैंग है उनकी ओर से ये आपसी टसलबाजी की वजह से ये धमकियां दी गई थी। जी, धमकियां कैसे मिल रही थी इसके बारे में जानकारी निकल पर आ पाई है? टेलीफोन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, या फिर जब वो जा रहे थे तो किसी और व्यक्ति से उन्हें धमकियां मिल रही, ऐसा कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चूंकि आनंदपाल जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद मुखर होकर गए थे, राजपूत नेता है काफी, तो ऐसे में काफी कई जगहों से इनकी जो किन गैंग से इनकी आपस में रंजिश भी थी, तो ऐसे में धमकियां जो थी व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, मैसेज के जरिए, फोन के जरिए उनको दी जा रही थी, जिस संबंध में उन्हें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लगातार कई बार पहले भी जयपुर कमिश्नरेट में मिले हैं, नजर आए हैं और उसके पीछे की वजह यही थी कि उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिनके फोटो कुछ जो संभावित जो शख्स थे, संदिग्ध शख्स थे, उनकी फोटो भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने पुलिस को उपलब्ध कराई थी, ऐसी जानकारी है। जी, तो पुलिस ने क्या कहा है, शक किस पर है, क्योंकि उनकी तरफ से अगर सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए थे तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, यहाँ पर लापरवाही पुलिस की भी है। विष्णु, क्या कहा उन्होंने, शक किस पर है? देखिए, अभी तक पुलिस की जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं, अभी तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से भी अगर वे होश में होंगे तो उनसे बात की जाएगी कि आखिर हमलावर कौन थे, चूंकि अभी हमलावरों के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई कि कितने हमलावर थे, क्या उन्होंने नकाब पहन रखा था, क्या वो कैसे आए थे, ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा और थोड़े कुछ समय के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार क्या श्यामनगर में आसपास सीसीटीवी के जरिए कुछ साक्ष्य विष्णु जुटाए जा सकते हैं।
बिल्कुल, जिस जगह श्याम नगर इलाके में ये फायरिंग की वारदात सामने आई है वहां पर काफी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उनकी मदद पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने में लेगी। लेकिन इस बात से हो सकता है कि अब राजस्थान में राजपूत जो 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 नेता है या जो युवक है उनमें भी आक्रोश देखने को मिले। जी आपका इशारा गैंगवार की तरफ है। देखिए गैंगवार इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की छवि जो एक समाज राजपूत बड़े लीडर के माने जाते हैं युवाओं के, और हालांकि अपने बयानबाजी की वजह से वो विवादों में भी रहे, काफी आक्रामक बयानबाजी करते सुखदेव सिंह गोगा मेडी करते रहे, साथ में आनंद पाल के समय में भी वो काफी मुखर होकर के सामने आए थे। ऐसे माना जा सकता है कि और जो एंटी गैंग है वो गोगा मेडी पर फायरिंग करें। कितनी देर पहले की घटना है और गोली कहां लगी है आखिर? देखिए अभी जो अभी करीब आधा घंटे पहले की ये वारदात है, जब लेकिन जब फायरिंग हुई तो उसके बाद जब लोगों ने देखा कि गोगा मेडी पर फायरिंग की गई उसके बाद गोगा मेडी की सूचना पुलिस को दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बना रहिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगा मेडी पर फायरिंग की गई है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कांग्रेस विधायक